जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज भागवत नवनीत के प्रथम स्कंध में कहते हैं व्यास जी का विषाद। बद्री नारायण के मार्ग में अनेक प्रयाग आते हैं। सबसे पहले देव प्रयाग आता है, जहां श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं। आगे जाओ तो रुद्र प्रयाग आता है, जहाँ भगवान शंकर का निवास है। अलकनंदा, गंगा और मंदाकिनी, गंगा का जहाँ संगम होता है। आगे जाओ तो विष्णु प्रयाग आता है। बद्री नारायण से 4-5 मील दूर केशव प्रयाग तीर्थ है, जहाँ गंगा और सरस्वती का मधुर मिलन है। वहाँ महर्षि व्यास विराजमान हैं। द्वापर युग की समाप्ति का समय था, कलयुग का आरंभ होने वाला था। व्यास जी को उसी समय कलयुग का दर्शन हुआ। 5000 वर्ष पूर्व व्यास जी ने यह सब कुछ देखा है। आजकल जो कुछ हो रहा है, व्यास जी ने कलयुग का जो वर्णन किया है वैसा ही हो रहा है। व्यास जी ने सब कुछ देखा था। कलयुग में लोगों का जीवन अर्थ और काम में ही पूरा हो जाएगा, जीवन भोग प्रधान होगा। कलयुग में लोग कुल गोत्र जाति का विचार नहीं करेंगे, स्नेह लगन प्रेम विवाह करेंगे। वर्ण संकर जाति संकर बहुत होंगे। कलयुग के लोग वेद अध्ययन नहीं करेंगे, वेद का अर्थ समझना बड़ा कठिन है। वेदार्थ समझने के लिए व्यास जी ने पुराणों की रचना की है। वेद का अधिकार सभी को दिया नहीं है। आजकल ब्राह्मण सभी के यहाँ वेद मंत्र बोलने लगे हैं, इसे से ब्रह्म तेज का नाश हो गया है। जो वेद शाखा रहित हैं उसके यहाँ वेद मंत्र नहीं बोलना चाहिए, इसलिए व्यास जी ने महाभारत की रचना की है। महाभारत पंचम वेद है। बहुत से लोग तो ऐसा समझते हैं कि महाभारत में कौरव पांडवों का झगड़ा ही है। व्यास नारायण क्या कलह की कथा करने के लिए ही बैठे हैं? इस संसार में ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में महाभारत ना होता हो। सभी के घर में महाभारत होता है। कदाचित आपको शंका हो कि महाराज मेरे घर में कोई दुर्योधन नहीं है, दुशासन नहीं है। आपको दुर्योधन दिखता नहीं लेकिन है। रात्रि में 9:30-10 बजे के बाद जागना नहीं चाहिए। प्रातःकाल में 4 के बाद सोना नहीं चाहिए। रात्रि में 10 बजे जो सो जाता है, प्रातः 4 बजे भगवान उसे जगा देते हैं। भगवान का ऐसा नियम है कि 5 घंटे की निद्रा हो जाए तो परमात्मा जीव को जगाने के लिए आते हैं। अब उठो, बहुत हुआ। धर्मराज भगवान के स्वरूप हैं, धर्म ही नारायण है। विष्णु सहस्त्र नाम में धर्म भगवान का ही नाम कहा गया है। भगवान श्री शंकराचार्य स्वामी ने विष्णु सहस्त्र नाम के ऊपर भाष्य लिखा है। उस भाष्य में लिखा है कि धर्म ही विष्णु है। धर्म का अनादर भगवान का अनादर है। जब तक देह का भान है तब तक सभी को धर्म का पालन करना ही चाहिए। जिसको याद नहीं आता कि मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, जो स्त्रीत्व को पुरुषत्व को भूल जाता है, कदाचित वह धर्म को छोड़े तो क्षम्य है। धर्म ही नारायण है। 5-6 घंटे की निद्रा पूरी होने के बाद धर्मराज आकर जीव को समझाते हैं, उठो उठो। उसी समय दुर्योधन आकर कहता है, अभी से उठकर क्या करेगा। धर्मराज कहते हैं जागो, और अधर्म दुर्योधन कहता है कि सोते रहो। बहुत से लोगों को प्रातः काल की निद्रा मीठी लगती है। 4 बजे के बाद जो निद्रा आती है वह निद्रा नहीं है, तंद्रा है। 4 बजे के बाद जो शैया पर पड़ा रहता है उसके पुण्यों का नाश होता है। कितने लोग जागकर भी शैया नहीं छोड़ते। यह धर्म और अधर्म का युद्ध है। नारद जी और व्यास जी का संवाद। पंचम वेद महाभारत की रचना करके भी व्यास जी को शांति मिली नहीं। संतों का मन जब थोड़ा अशांत हो गया तो संत अंदर की तरफ थोड़ी नज़र करते हैं। मानव दुखी होता है तब बाहर देखता है। दुख का कारण जो जगत में शोधता है वही दुर्जन है। आपको दुख देने वाला संसार में कोई नहीं है। आपको दुख देने वाला आपके मन में छुपा है। शत्रु बाहर नहीं है, शत्रु अंदर ही है।
मन में जो काम है वही दुख देता है, मन में जो अभिमान है वही दुख देता है। अज्ञान दुख का कारण है, ज्ञान से शांति मिलती है। महर्षि व्यास को लगता है मेरी कुछ भूल हो गई। क्या भूल हुई कुछ खबर नहीं पड़ती है। मेरे घर में कोई संत आए, सत्संग में विवेक जागृत होता है। बिना सत्संग के स्वदोष का भान नहीं होता है। बुद्धि में अनेक दोष हैं, पर मानव अपने दोष को गुण समझता है। मानव में अनेक दुर्गुण होते हैं, मानव को अपने दुर्गुण सद्गुण जैसे लगते हैं। मेरे घर में कोई संत आए तो मैं अपना जीवन सुधारूं। महर्षि व्यास को सत्संग करने की इच्छा हुई, तभी नारायण 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 कीर्तन करते हुए नारद जी वहां आए हैं। व्यास महर्षि को आनंद हुआ है। व्यास जी ने नारद जी को सुंदर आसन दिया है। आज गंगा मैया अति शांत हैं। मेरे किनारे दो बड़े संत आए हैं, उनके सत्संग से कथा गंगा प्रकट होने वाली है, जो कलयुग में अनेक जीवों का कल्याण करेगी। व्यास जी ब्रह्म ऋषि हैं, नारद जी देव ऋषि हैं। देव ऋषि और ब्रह्म ऋषि का मधुर मिलन है, इसलिए दो महान संत मिले हैं। कलयुग के जीवों का कल्याण होगा। नारद जी ने कुशल समाचार पूछा। व्यास जी ने हाथ जोड़कर कहा, सभी आनंद हैं। नारद जी ने कहा, महाराज आपका मुख देखने से ऐसा लगता है कि आप कुछ चिंता में हैं। क्या चिंता है? इस पर व्यास जी बोले, आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं और योग बल से प्राणवायु के समान सबके भीतर रहकर अंतःकरणों के साक्षी भी हैं। योग अनुष्ठान और नियमों के द्वारा परब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझ में जो बड़ी कमी है उसे आप कृपा करके बतलाइए। व्यास जी ने कहा, मेरी प्रशंसा मत करो, मुझसे कोई भूल हुई है, मेरी भूल मेरे को बताओ। संत हृदय ऐसा सरल होता है। संसार के इतिहास में व्यास नारायण के समान महान ज्ञानी कोई महान बुद्धिमान हुआ ही नहीं है, होगा भी नहीं। जगत गुरु व्यास नारायण हैं। व्यास नारायण को ऐसा लगता है जैसे उनसे कोई भूल हो गई है। साधारण मानव अपने को बड़ा सयाना समझता है, अकड़ कर चलता है। व्यास नारायण कहते हैं, मेरी कुछ भूल हुई है, मेरी प्रशंसा मत करो, मेरी भूल बताओ, मैं उस भूल को सुधारूंगा। जो आपको आपकी भूल बताए उसको बार बार वंदन करो। प्रशंसा करने वाले बहुत मिलते हैं, भूल बताने वाला मिलता नहीं है। जिसके हृदय में आपके लिए बहुत प्रेम है वही आपको आपकी भूल बताता है। नारद जी ने स्मित हास्य किया, कैसी भूल महाराज, आप तो भगवान के स्वरूप हैं, आपसे क्या भूल हो सकती है। किंतु आपसे थोड़ी सी भूल हुई है, प्रेम में पागल होकर आपने विस्तार पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा नहीं कही है। भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा नहीं कही है, आपने पुराणों में ज्ञान योग समझाया है, कर्म योग समझाया है, कहीं कहीं ज्ञान को बहुत महत्व दिया है, कहीं कहीं कर्म को बहुत महत्व दिया है। ज्ञान और कर्म दोनों श्री कृष्ण प्रेम से सफल होते हैं। प्रभु में प्रेम नहीं है तो ज्ञान का क्या काम। जिसकी आंखों में भगवान के लिए आंसू नहीं है, कितने ही लोगों में ज्ञान तो होता है पर प्रेम में वे पैसे के साथ रहते हैं। हजार दो हजार का नुकसान हो तो घंटा दो घंटा अपने हृदय को जलाते हैं, मेरे 2000 गए। अरे तेरा जन्म हुआ था तो 2000 तू लेकर आया था क्या? ज्ञान तो है पर प्रेम पैसे के साथ रहता है। ज्ञानी होना कठिन नहीं है, प्रभु प्रेमी होना बहुत कठिन है। कितने ही लोगों में ज्ञान तो होता है पर कोई उनकी निंदा करे तो उनको सहन नहीं होता। निंदा का असर मन के ऊपर क्यों होता है? जगत के साथ बहुत प्रेम करने से। जो परमात्मा के साथ प्रेम करता है उसके मन पर निंदा का असर नहीं होता। ज्ञानी जब प्रभु प्रेमी होता है, कर्मयोगी भी प्रभु प्रेमी होता है, किंतु कर्म मार्ग में दोष है। सत्कर्म करने से अभिमान बढ़ता है। दिन भर सत्कर्म करो पर ऐसा मानो कि यह सब मेरे भगवान करते हैं। प्रेम का परिणाम ही समर्पण है। दिन भर सत्कर्म करो, सत्कर्म भगवान को अर्पण करो,
मैंने कुछ नहीं किया है। सत्कर्म करने के बाद मन में अभिमान आए तो सत्कर्म भी पतन करता है। कर्मयोगी प्रभु प्रेमी होना चाहिए, ज्ञानी प्रभु प्रेमी होना चाहिए। प्रेम से कर्म और ज्ञान सफल होते हैं। जहाँ कम प्रेम है वहाँ जीव भी अपने स्वरूप को छिपाता है। जहाँ कम प्रेम है वहाँ जीव भी अपने स्वरूप को छिपाता है। जहाँ अतिशय प्रेम है वहाँ जीव अपने स्वरूप को प्रकट करता है। महाराज, अब बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है, कलयुग आ रहा है। लोग बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे पर एक एक पैसे के लिए झगड़ा भी करेंगे। लोग बड़ी बड़ी ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं किंतु प्रातःकाल में 6-7 बजे उन्हें आदत के अनुसार चाय न मिले तो उनका ब्रह्म ज्ञान कहाँ चला जाता है, कुछ खबर नहीं पड़ती है। ज्ञान तो है पर प्रेम जगत की तुच्छ वस्तुओं के साथ। अब बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं महाराज, आप प्रेम कथा करो। श्री कृष्ण प्रेम की मूर्ति हैं। कोई भी जीव प्रेम किए बिना नहीं रह सकता। सभी जीव प्रेम तो करते हैं पर प्रेम जगत के साथ करते हैं। ऐसी मधुर कथा करो कि श्री कृष्ण में प्रेम हो जाए, श्री कृष्ण के सौंदर्य में आँख और मन फंस जाए। तभी जीवन सुधरता है, तभी पाप छूटता है। श्री कृष्ण लीला में प्रेम ही प्रेम है। श्री कृष्ण के साथ जो अतिशय प्रेम करता है भगवान कृपा करके उसकी वासना का विष खींच लेते हैं। पूतना ने विष दिया किंतु भगवान ने उसको वासना रहित बना दिया। श्री कृष्ण लीला में प्रेम ही प्रेम है। ऐसी मधुर कथा करो कि श्री कृष्ण में प्रेम हो। जय श्री राधे।